हेलो, ये अरुण पवार। बलेनो खरीदते समय बहुत लोग क्या गलती करते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बलेनो मारुति ने लॉन्च करी 2015 में, उस टाइम पे इसका जो डेल्टा वेरिएंट था बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता था, और था भी वो क्योंकि फीचर लोडेड कार थी पूरी तरीके से, और जेटा में अपग्रेड करने का कोई मतलब बनता नहीं था खास क्योंकि फीचर उसमें इतने ज्यादा लुभावने नहीं थे। लेकिन जब 2019 में फेसलिफ्ट उन्होंने जारी करा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने वेरिएंट्स का करा फीचर्स वाइज वो इतना लाजवाब है, फिर भी लोग क्यों इतनी गलती कर रहे हैं इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वाई जेटा इज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इन बलेनो, ये आज इस वीडियो का अपना रहेगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डेल्टा देख के लोग क्यों इतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप कई बार डीलरशिप पे जाते हो तो वहाँ पे आपको डेल्टा ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, डेल्टा या फिर आपकी अल्फा डिस्प्ले पे। तो जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है बलेनो का वो डेल्टा है, और क्यों आपको डेल्टा से जेटा में अपग्रेड करना चाहिए उसके बारे में मैं बता देता हूँ। क्योंकि डेल्टा का एक शोरूम अगर आप देखने जाते हैं तो वो आपको 6,45,000 के लगभग एक शोरूम दिल्ली में पड़ता है, और जेटा का आप देखते हैं 7,01,000 रुपये का, तो मतलब 60,000 लगभग कुल आपका डिफरेंस आ जाता है। और जो आप फीचर्स इसमें देखेंगे ना वो आप जरूर से इस वीडियो को देखने के बाद, अगर लॉकडाउन के बाद आपका प्लान बन रहा होगा बलेनो खरीदने का, तो जरूर से आप जेटा ही लेंगे क्योंकि फीचर्स इतने ज़्यादा 60,000 रुपये के उसमें डिफरेंस में आपको जरूर उससे अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले डेल्टा की तरफ लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। तो 2019 फेसलिफ्ट में इन्होंने जारी करा था ना, इसमें LED प्रोजेक्टर्स डाल दिए डेल्टा वेरिएंट से ही, जिसमें पार्किंग लाइट बा जाते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और देखते ही एक बार से ही प्लान बना लेते हैं कि इसको लेना चाहिए, क्योंकि वाइड लाइट इसमें आती है और थ्रो भी बहुत अच्छा है इनका। साथ के साथ उसमें आपको R15 व्हील कैप्स मिल जाते हैं, 15 इंची के टायर हैं, व्हील कैप्स भी मिल जाते हैं। प्लस सबसे बढ़िया चीज़ इसमें आपको ऑटोमेटिक ORV मिलते हैं, आप एडजस्ट तो इनको कर ही सकते हैं। प्लस डेल्टा वेरिएंट में ऑटो फोल्डेबल भी हैं वो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, जो कि आपकी डेल्टा में भी देखने को मिल जाते हैं। साथ के साथ एक आ जाता है आपका टच स्क्रीन स्टूडियो, उसमें बटन्स टच होते हैं, पूरी डिस्प्ले नहीं होती, छोटी डिस्प्ले होती है लेकिन बटन्स आपको टच मिल जाते हैं, जिससे लोग समझते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये देख के। प्लस डेल्टा में आपको चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, तो वो खरीद लेते हैं उसको। तो ज़रूरत का जो सारे सामान है ना डेल्टा में वो बहुत ज़्यादा आपके पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि यही है वो वेरिएंट जो उनको चाहिए था, लेकिन वो एक बार रिसर्च ही नहीं करते कि जेटा में देखे तो सही क्या आ रहा है, क्या डिफरेंस है प्राइस का। इसकी वजह से डीलर भी कहीं ना कहीं डेल्टा का अगर ज़्यादा स्टॉक होता है तो वही पुश करते हैं उनको लेने के लिए। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं जो डेल्टा में लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो उसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। आपको इतने मतलब जो बीच का सा वेरिएंट होता है उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, यहाँ पे मारुति सुजुकी नेक्सा अपनी जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें सेम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। आप ऑटो का बटन दबाएंगे तो फैन की स्पीड देख सकते हैं आप अपने आप, जैसे अभी इसका टेम्परेचर सेट है 18-17.5, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लोअर की स्पीड है उसको बढ़ा देता है अगर आप ऑटो पे टच कर देते हो। तो ये डेल्टा जैसे वेरिएंट में, मान के चलो आप स्विफ्ट ले रहे हो और उसके VXI वेरिएंट में आपको मिल जाए, तो ऐसा कुछ हिसाब किताब जिस वजह से टॉप सेलिंग डेल्टा बना हुआ है। लेकिन शायद से अब इस वीडियो के बाद आप भी यही कहें कि यार जेटा है हकीकत में बढ़िया। एक और आता है इसमें डेल्टा में वन टच पावर विंडो, आप एक बार दबाते हैं तो ये अपने आप डाउन हो जाती है, एक बार इसको अप करते हैं तो ये अपने आप अप भी हो जाती है, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है फीचर कि यार ये भी सही फीचर है। एक और आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं पीछे तरफ, चलो वो तो मैंडेटरी है। टिल्ट स्टेयरिंग आपको मिल जाता है डेल्टा वेरिएंट में, आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, तो हाइट के अकॉर्डिंग भी आप तो समझते हैं कि यार ये भी सही चीज़ है, ये भी बढ़िया फीचर है। एक और आपको दो चार्जिंग के सॉकेट मिल जाते हैं 12 वोल्ट के, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पीछे की साइड, ये रहा, तो दो आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इतने मतलब बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में किसी में भी नहीं मिलती डेल्टा में, आपको वो चीज़ मिल जाती है, वो है रियर वाइपर और डिफोगर। कमाल कर रखे हैं भाई, वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन तो इतना बढ़िया है तभी बलेनो सब ज़्यादा बिकती है डेल्टा वेरिएंट भी, क्योंकि इसमें रियर वाइपर डिफोगर है, थोड़े प्रीमियम से फीचर आ जाते हैं ना टॉप मॉडल्स में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं, तो वो चीज़ भी आपको डेल्टा में मिल जाती है 7,00,000 के प्राइस में। और आप डिस्काउंट वगैरह लेके तो ऑन रोड इस कार को और सस्ती ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट इस पर चल रखे हैं बलेनो पे। और एक और चीज़ आ जाती है बॉडी कलर डोर हैंडल्स, जिनकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई सारे अपने ज़रूरत के सारे फीचर्स आ रहे हैं तो हम डेल्टा ही ले लेते हैं, डीलर को देते हैं भाई लो आप 7,00,000 या 7,20,000 जितना भी उसका ऑन रोड प्राइस है वो पकड़ो और हमको बलेनो डेल्टा दे दो। लेकिन अगर आपने अगर किसी डीलरशिप पे गए और जेटा खड़ी देख ली और उसके फीचर्स देख लिए तो आप डेल्टा नहीं लोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जब अपनी बलेनो लेने गया था उधर खड़ी थी जेटा डिस्प्ले पे, तो मैं 100% डेल्टा ही लेने गया था,
फिर मैंने फीचर्स देखे, उस वक्त तो उल्टा महंगा था, 80,000 रुपए का डिफरेंस था, मैंने तब भी ले ली, अब तो फिर भी वो 60,000 का ही रह गया है। उल्टी ये सस्ती हो गई, इनके डिस्काउंट वगैरह कॉर्पोरेट और कैश 15,000 का, 5,000 कॉर्पोरेट, बहुत सारे डिस्काउंट चलते रहते हैं। उस टाइम फेसलिफ्ट नई नई आई थी 25 फरवरी के दौरान, मैंने बुक करा दी 17 तारीख को, 17 फरवरी 2019 को, तो उस वजह से मेरे को इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला था क्योंकि बिल्कुल नई डिमांड में गाड़ी थी। लेकिन आप तो बहुत बढ़िया, आप जेटा पे भी उठा सकते हो, केवल 60,000 रुपये का डिफरेंस रह गया। अब मेन बात आ जाती है भाई, जेटा क्यों वैल्यू फॉर मनी है? 60,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे के क्यों आपको 100% जेटा लेना चाहिए? सबसे पहली बात तो 60,000 रुपये आप गिनते रहना, अगर आपके वसूल होते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी डेल्टा तो आपका मनपसंद वेरियंट फिर है ही। सबसे पहली चीज़ जो मेरे को अट्रैक्ट करी वो है इसके डायमंड का अलॉय व्हील्स, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। लुक्स में भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही इसमें व्हील कैप्स आते हैं, तो एक तो ये डायमंड का अलॉय व्हील्स, प्लस एक टायर आपको ऊँचा मिल रहा है, 16 इंची के इसमें टायर आ जाते हैं R16। अब आप एक चीज़ खुद लगा के देखो अलॉय व्हील्स कितने के पड़ जाएंगे ऐसे ऐसे डिज़ाइन के, कम से कम भी चलो मान से 30,000 के, चलो आपने अच्छी खास जान पहचान के साथ 30,000 रुपये के अलॉय व्हील अपने चारों डलवा लिए। अब टायर भी अब साइज कराओगे आप, 5,000 रुपये के टायर मान लो, 20,000 रुपये के, 50,000 रुपये के, तो आपके टायर और यही आ गए, तो आपके पूरे पैसा वसूल तो इन दो चीज़ों में ही हो जाता है, एक तो टायर और एक अलॉय व्हील्स जेटा में। बाकी वो अलग चीज़ है, अगर आपको इन चीज़ों का शौक नहीं है अलॉय व्हील्स वगैरह का तो आप ना लें तो और बढ़िया, बाकी गाड़ी की लुक तो बन जाती है, प्लस एक टॉप मॉडल वाली चीज़ है, टॉप मॉडल ही रहती है, मतलब टॉप इससे एक अल्फा भी आता है। सेकंड चीज़ आपकी जो कीलेस एंट्री है, चाबी दिखाता हूँ, इसमें जो चाबी आती है वो कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है। अब ये फीचर आप अलॉय व्हील्स और टायर, चलो आपने आफ्टर मार्केट करवा लिया डेल्टा में अपने चॉइस के हिसाब से, अब ये कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कहीं चले जाना पूरे भारत में घुमाना, कोई भी अगर ये चीज़ इंस्टॉल कर दे आपकी गाड़ी में तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि कंपनी से ये चीज़ इंस्टॉल होकर आती है। और आपको कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट बटन, ये टेक्नोलॉजी आफ्टर मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो आपका पैसा यहीं पे भी और वसूल हो जाता है, काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। आपको जेब में चाबी रखनी है और पुश स्टार्ट बटन दबाया और आप चल सकते हैं, कोई आपको फिजिकल की यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेल्टा में आपको वही जो उनकी पुरानी की आती थी 2011 से स्विफ्ट में ही आ रहे हैं, आती है वो लंबी सी, और उसमें इसमें ही इंटीग्रेटेड लॉक अनलॉक के बटन होते हैं, तो वही चाबी आपको डेल्टा में मिलती है। और वो चाबी कहीं ना पता, जैसे मान के चलो आपने कोई सफ़ेद रंग की पैंट पहन रखी है तो वो आपकी ऐसे रहती है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, साफ पता चलता है कि हमें चाबी, और वहीं पे स्पॉट बन जाता है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। एक और चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है जो जेटा में, वो आपको मिलेगा 7 इंच का इंस्ट्रूमेंटल, ये इंफोटेनमेंट सॉरी, यहाँ पे पूरा 7 इंच का है अपना एप्पल का आप लेंड रोटो, सबको सपोर्ट करता है, बहुत सारे फीचर इसमें आपको मिलता है, पूरा टच है उसमें, केवल बटन टच आते हैं और वो छोटा भी आता है डिस्प्ले में। यहाँ पे आपको सारा कुछ पता चलता रहता है, ड्राइविंग रेंज हिस्ट्री, कब फ्यूल भरवाया और माइलेज हिस्ट्री का क्या थी, ये सब चीज़ें, और मतलब बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं, मतलब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले तो अब इतना मेरा काम का फीचर बन गया, क्योंकि नई नई जगह जाना होता है तो सीधा नेविगेशन में वो लगाया और अपने चलता रहता है नेविगेशन, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती फ़ोन बार बार चेक करने की या फिर यहाँ पे फ़ोन टाकने की, वो उसका हर तो डर ही रहता अगर कोई बेकार क्वालिटी का हो तो ब्रेक मारती गिर जाता फ़ोन और ख़राब हो खाम का, तो इस वजह से ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको सीधा इसमें पता चलता रहता है, गाने भी पीछे चलते रहते हैं और ये बताती भी रहती है कि अपने आपकी राइट टर्न ले या लेफ्ट टर्न ले, तो वो मेरे को बहुत पसंद आती है ये चीज़, तो इसमें बहुत सही है ये चीज़, मतलब आप देख लो ना आपके 50,000 तो वहीं वसूल हो गए। इसकी यूनिट में बात करता हूँ तो ये 52,000 रुपये का है। एक सब्सक्राइबर भाई अपने, उन्होंने मेरे को बताया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या हुआ कि वो जैसे ही हॉस्पिटल लेके चले गए जिन बंदों का बलेनो के साथ एक्सीडेंट हुआ, तो जो इनकी ये यूनिट थी ना वो किसी ने चोरी कर ली। अब इंश्योरेंस वाले चोरी करने वाले का मतलब वो क्लेम नहीं दे रहे, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कितने का आएगा, क्योंकि जब क्लेम नहीं मिलेगा तो आपको खुद अपने जेब से डलवाना पड़ेगा, तो उन्होंने शोरूम वाले ने बताया 52,000 रुपये का है। अब वो उनकी ये हो रही है कि वो आफ्टर मार्केट ये चीज़ डलवाना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी फ्रेम में इस वाले फ्रेम में वो चीज़ सही नहीं बैठ रही और ना ही वो बढ़िया लगेगा, तो इस वजह से आप देख सकते हैं इसकी प्राइस और बहुत बढ़िया सिस्टम है, कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया सिस्टम है ये, 100% वर्थ है ये अगर आप जेटा में अपग्रेड करते हैं तो, मैं तो यही कहना चाहूँगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी डेल्टा से ऊपर वो है इसका ऑटो IRVM, ये भाई इतना काम का फीचर है ना, रात में अगर आप ड्राइव करते हो तो सीधी जो बहुत लोग होते हैं जिनकी बिल्कुल हाई बीम पे कार उसको चलाते हैं और बिल्कुल ऐसी रोशनी पड़ती है आँखों पर पड़ती है सीधी, ये क्या करता है ऑटोमेटिक है तो पीछे वाली लाइट को अपने आप ग्रीन कर देता है और आपको पता भी नहीं लगता, मतलब आपका ध्यान इस पर जाता ही नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, अगर आपको किसी भी कार में मिले ना ये, यही नहीं कि इसमें मिल रहा है तो आप ज़रूर इसको ले सकते हैं, बहुत मेरे को तो बहुत सही चीज़ लगी है।
नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करता हूँ तो वो आ जाती है इसकी, इसमें इतने सारे फीचर्स है ना, और देखने में मजा आता है। कार ड्राइव करते तो ऐसा लगता है कि कोई प्रीमियम कार चला रहे हैं। टॉर्क पावर ये अलग टायर की नहीं बताता, इंजन की बताता रहता है कि क्या वो डिलीवर हो रही है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, फ्यूल इकोनॉमी, रेंज और ड्राइविंग टाइम क्या है, टाइम क्या हो रहा है, तो ये सब पता चलता रहता है। और इसमें बहुत सारे फीचर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको नॉब को करके चेंज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर और बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। लाइन देखें आप यहाँ पे, जो आप डेल्टा लेते हैं उसमें छोटी सी आती है, और इतनी मेरे को पर्सनली इतनी पसंद नहीं आती। वो आपको जो फॉन्ट आता है उसमें ऐसे करके, तो वो मेरे को अच्छी नहीं लगती। ये बढ़िया लगती है, प्रीमियम बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट चीज़ एक और आपको जो जेटा में मिलती है वो इसका आर्मरेस्ट है। आप देखो, एक आर्मरेस्ट का फीचर तो ये हो जाता है कि आप आराम से हाईवे पे हाथ रख सकते हैं। दूसरा, आप कोई बच्चा हो कार में चल रहा हो तो पैर रख के पीछे इजीली जा सकता है, तो ये तो एक मल्टी मेरे को इसका फ़ायदा लगता है। इसमें आप कुछ सामान वगैरह भी आप अपना रख सकते हैं, ये भी सही है। और जो आपको कोई पर्सनल चीज़ हो वो आप इसमें रख सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया आप कार में। अब जैसे ये है इसका, इसमें तो देखो फुल हुआ पड़ा रहता है ये, इसकी सर्विस मैनुअल वगैरह से ही। और बाकी इसमें कहीं खास इतना स्पेस है नहीं रखने का। यहाँ पे आपके कोई परफ्यूम वगैरह आ जाते हैं, तो आर्मरेस्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा। आपका जो भी कोई पर्सनल सामान हो वो आप इसमें रख सकते हैं, जो भी क्रेडेंशियल सामान हो। प्लस बच्चे इसमें चढ़ के दिखाओ एक बार, इसमें आराम से खड़े हो सकते हैं। आपका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, सही क्वालिटी। आपको आफ्टर मार्केट ऐसी क्वालिटी मिल ही नहीं सकती, बेशक से आप कितना ही ट्राई कर लो। उसमें क्या है, वो लगा देते हैं लकड़ी का सा, जो कि बहुत सीरियसली घटिया लगता है मेरे को तो। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो इसमें फोग लैंप आ जाते हैं। जब से ही मैं कार के अंदर बैठ के बना रहा हूँ, एक सेकेंड रुको, रुक जा, इसमें फोग लैंप आ जाते हैं। आपको 4200 रुपये के वो डलवाने पड़ते हैं। अगर आप नेक्स्ट आर से लेते हैं तो वहीं पे 60,000 रुपये दे लो, या फिर 4200 रुपये मतलब फोग लैंप के। हालांकि ये वो हैं येल्लो, वाइट होते ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। एक और चीज़ जो ऐड हो जाती है वो क्रोम हैंडल्स हैं, ये देख सकते हैं कीलेस एंट्री जो आपको दिखा रहा था। क्रोम हैंडल्स आपको मिल जाते हैं जेटा वेरिएंट में एडिशनली, जो कि 1000 रुपये के मेरे ख्याल से आपको लगवाने पड़ते हैं आफ्टर मार्केट। रियर स्पॉइलर पे ये क्रोम आ जाता है, जो कि लुक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हालांकि इसमें कैमरा की जगह नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आप, ये बहुत सही चीज़ लगती है, जो कि लुक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। डेल्टा में थोड़ा सा रूखा रूखा सा लगता है इसके बिना, तो जेटा में मेरे को ये चीज़ बढ़िया लगी। नेक्स्ट फीचर जो 60,000 के अंदर आपको मिल जाएगा जेटा वेरिएंट में, वो है इसका ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट। ये देखो, अब ये फीचर हमारे घर में पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं बिल्कुल इसको नीचे करके चलता हूँ, पापा की हाइट मेरे से थोड़ी कम है तो वो इसको पूरी ऊपर करके चलते हैं, और उनका पूरा व्यू मतलब बहुत सही व्यू मिलता है। क्योंकि जो बलेनो की विंडशील्ड है ना, वो मतलब थोड़ी सी इस सेगमेंट में मेरे को छोटी लगती है, वो थोड़ी इस तरीके से लेटी हुई है, तो व्यू है जो अपना इतना क्लियर नहीं आता जितना दूसरी ही गाड़ियों में आता है, जो मैं महसूस करता हूँ। जैसे ब्रेजा चला लो, i20 चला लो, स्विफ्ट चला लो, उनमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। इसका ये देखो यहाँ से है, और गाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा आपको व्यू मिलता है, पर इससे कोई खास इतनी दिक्कत नहीं है। लुक गाड़ी की तभी ज़्यादा बढ़िया निकल के आते हैं बलेनो की, तो वो चीज़ पापा इसको उठा के और अपना कर सकते हैं। तो ड्राइवर एडजस्टेबल मेरे को फीचर बहुत बढ़िया लगा, जो कि डेल्टा में मेरे को नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट फीचर अब मैं बताता हूँ भाई, गिनते जाओ, डेल्टा में भरपूर फीचर्स हैं। देखो जैसे डोर खुला तो डोर का आपको पता लग गया, डेल्टा में एक चीज़ नहीं पता लगती, तो ये प्रीमियम चीज़ लगती है थोड़ी सी। आपको प्रीमियम हैचबैक अगर आप लेते हैं तो 60,000 रुपये, देखो एक मैं राय दूँ, ज़्यादातर 90% लोग फाइनेंस कराते हैं कार को, ये आपको पड़ जाएगी अगर आप जेटा लोगे डिस्काउंट के साथ 7,500 रुपये की, वही 50-60,000 रुपये का एक्स्ट्रा वो है। अब 6 महीने की किस्त एक्स्ट्रा करवा लो, क्या दिक्कत है, फीचर्स भी तो आप इतने उठा रहे हो, 6 ना तो 3 महीने की एक्स्ट्रा हो जाएगी। देख लो भाई, फीचर्स मेरे ख्याल से तो ये वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। और मेरे को नहीं लगता अगर अब जो बंदा बलेनो ले रहा है तो उसका ज़्यादा बजट का इशू होगा मेरे ख्याल से, मतलब 50-60,000 रुपये का। तो यहाँ से आप जो जेटा है नेक्स्ट की बात करता है, उसमें डेल्टा में आप टिल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है। देखो बाहर भी कर सकते, बाहर अंदर भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे तो इसका हो ही जाता है, तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। हालांकि ये कभी यूज़ होता नहीं है, मेरे को प्रैक्टिकली कभी ये समझ आया फीचर नहीं, कोई भी तो इसको यूज़ नहीं करता, हमारे घर में तो कोई भी यूज़ नहीं करता, जिस पोजीशन पे टिका हुआ है तो उसी पे टिका रहता है, कोई इसको ज़्यादा छेड़ता नहीं, मतलब कि एक बार आदत हो जाती है ना उस चीज़ की, इस वजह से। एक और फीचर जो आ जाता है जेटा में ऐड होके, वो है इसका बूट लैंप। आपको जो बूट है इसमें आपकी लाइट भी मिल जाती है, तो रात में अगर आप सामान उतारते हैं तो आप इसको जला सकते हैं। हालांकि एक साल मेरे को हो गया इस कार को यूज़ करते, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया है। अगर इसमें कभी सामान रखा भी रहता है तो फ़ोन की टॉर्च ही करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी लाइट इतनी ज़्यादा है नहीं,
और कौन फिर इसको ऑन ऑफ करे, मतलब इतनी ज़्यादा है नहीं। ऐसा होता ना कि अपने आप खिड़की खुलते ही जल जाए, तो वो ज़्यादा चीज़ बढ़िया लगती है। बेकार सी क्वालिटी की मतलब ये लगा रखी है, तो ये चीज़ मेरे को इतनी ज़्यादा यूज़ लगती नहीं है। पर जितने मैंने फ़ीचर्स बताए आपको, आपके ऊपर है कि आपको मतलब सही लगी ये चीज़ या नहीं। आपको जेटा में जो फीचर्स एडिशनली मिल रहे हैं डेल्टा के ऊपर, मेरे ख्याल से तो भाई 100% वर्थ इट है। और ये जो लाइट वगैरह है आप देखें, इसमें येलो आती हैं, बाकी इनको आप वाइट कर सकते हैं, बहुत सही चीज़ है। ट्विटर भी आपको मिल जाते हैं, चार स्पीकर मिल जाते हैं। और हटियो ये देखो, पावर आउटलेट, आर्मरेस्ट और पार्सल ट्रे बलेनो वगैरह में भी आपको मिल जाती है। तो इस हिसाब से मेरे को बहुत सही जेटा वेरिएंट लगता है, और 6,500 रुपये मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा है इन सारे फीचर्स के लिए। तो आपकी क्या राय है जेटा और डेल्टा वेरिएंट के बीच में? और मेरे को आइडिया हो गया होगा, अगर आपका बलेनो का प्लान बन रहा है तो आप ज़रूर से एक बार विचार तो ज़रूर करेंगे कि इन फीचर्स के लिए आपको जेटा में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। वीडियो देखने आपका धन्यवाद। पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।